नमस्ते दोस्तों, आरतीज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ जैन रेसिपी। यानी जैन रेसिपी में हम आज क्या बनाएंगे, सभी का फेवरेट, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट होता है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को हम जैन विधि से बनाएंगे, लेकिन बिना बेस के, जो कि हमारे पास कभी कभार रात की जो बची हुई रोटी होती है ना, उससे हम आज पिज़्ज़ा बनाएंगे। उसका पहले हम क्या बनाएंगे और उसके बाद उसका पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको पूरा ये वीडियो जो है एंड तक देखना होगा, तभी आपको ये रेसिपी पूरी पता चलेगी। अगर आप आधी अधूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि जैन रेसिपी के लिए हमें क्या क्या करना है। ये जो जैन पिज़्ज़ा है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें हमने जो है पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हमने जो हमारे पास बची हुई रोटी है उसका इस्तेमाल करके ये हमने पिज़्ज़ा बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बिना प्याज लहसुन के ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो सकता है। इतनी ईजी रेसिपी कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ रात की बची हुई रोटियां है जिसका हम आज खाकरा बनाएंगे, और इस खाकरा को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका पिज़्ज़ा भी बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका खाकरा कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे चार पांच रोटी को एक साथ में लिया, आप चाहे तो एक एक रोटी को भी करके खाकरा बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गर्म लगता है ना तवा, तो आप यानी इस तरह से इसको ऐसे से हाथ से यानी करेंगे ना, तो ये इजीली हो जाता है। अगर आपको गर्म लगता है तो आप कोई भी एक कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, और कपड़े को ऐसे इस तरह से दबाते हुए इसको हमें एकदम क्रिस्पी बनाना है। और गैस की फ्लेम आप देख सकते हैं एकदम हमें स्लो ही रखनी है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, इसके थोड़ा सा इसको चारों तरफ से दबाते हुए ये हम खाकरा बना के तैयार कर लेंगे। ये एक राजस्थान स्पेशल है खाकरा, जो कि यहाँ के राजस्थान के लोग बहुत ही स्पेशल इसे खाते हैं, और मैं खुद भी राजस्थानी हूँ। हमारे घर पे ये अक्सर खाकरा मिल जाते हैं, और हम क्वांटिटी में इसे बना के रखते हैं, जैसे 50 से 100 की क्वांटिटी में हम बनाते हैं, और ये एक ही वीक में पूरे ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक तरफ से एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक खाकरा को बनाने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये आपका जो खाकरा है बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसे पलट दिया है, और इसको पलटने के बाद फिर से हम इसको सेक लेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिए, और उसके बाद इस तरह से इसे चारों तरफ से हमें थोड़ा सा घुमाते हुए इसे सेकते जाना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए हमारा। और ये खाकरे पर आप घी लगाकर, चीनी डालकर खा सकते हैं। इसके साथ में मूंगफली की बहुत ही अच्छी सूखी सी चटनी बनती है, उसे आप इस पर डालकर खा सकते हैं। लहसुन की चटनी के साथ में आप इसे खा सकते हैं। ये खाकरा बहुत ही टेस्टी लगता है, चाय के साथ में, टी टाइम पे इसे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये खाकरा। और भी खाकरे की बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बन के तैयार होती है, मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं ये खाकरा। वाओ, देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने जो पहली तरफ सेका था ना, उसको हम इस तरह से नीचे करेंगे, और इसके बाद इसको इस तरह दबाते हुए सेक लेंगे। तो ये हमारा जो खाकरा है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, एकदम क्रिस्पी सा दोनों साइड से, और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हम बाकी के सारे खाकरे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे खाकरे एकदम अच्छे से सेक कर इन्हें तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही एकदम क्रिस्पी पापड़ की तरह पतले पतले हैं। तो आप भी इस तरह से खाकरे बना सकते हैं बची हुई रोटी के। तो अब इसका हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चले देखते हैं इसका पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और कैसे ही ये झटपट से 5 ही मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये खाकरा बनाया था ना, उसका अब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये एक खाकरा लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास टोमेटो केचप है, तो इसके ऊपर हम सबसे पहले थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम इस पर मेयोनीज डालेंगे। अगर आप मेयोनीज को नहीं खाना चाहते तो इस पर ना डालिए, पर इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा आता है। और ये है मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है,
लेकिन ये खाने में जब इस पे आप लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और आज जो है हम ये जैन पिज्ज़ा बना रहे हैं। जैन पिज़्ज़ा के लिए यानी हम लोग जो है ना मैदा भी कम यूज़ करते हैं, जितना हो सके हम कम मैदा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं ये स्पेशली जैन पिज़्ज़ा सिर्फ वो जो नहीं खाते हैं जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह उनके लिए मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी पिज़्ज़ा का मज़ा ले सके। तो यही सोचकर आज मैं ये खाकरा पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मैदे का भी हमने उपयोग नहीं किया है और इसमें हमने प्याज लहसुन का भी उपयोग नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने चटनी बनाई है, जिसमें मैंने लाल मिर्ची, टमाटर, थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा नमक डाल के इसका एक मिक्सचर बना के उसे अच्छे से हमें तेल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये जो है एकदम टेस्टी लगती है चटनी। और उसके बाद आप इसे ब्रश की मदद से या फिर आप इसे चम्मच की मदद से इस तरह से फैला दीजिए, जैसे हम पिज़्ज़ा बेस पर सॉस को फैलाते हैं उसी तरह से। तो ये देखिए, ये हमने इस पर सॉस को फैला दिया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सॉस चाहते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। और हमारी बची हुई रोटियाँ अक्सर हमें इस तरह से काम लगानी होती कि हम क्या करें, उसका कुछ नया बनाएं। तो आप ये वाली ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो वेजिटेबल आप उसे यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल रही हूँ। एकदम बारीक बारीक हमें सब्जियों को कट करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से हम यहाँ पे टमाटर के पीसीस इस पे डालेंगे। ये दिखने में सुंदर भी लगेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है हम इस पे थोड़ी सी शिमला मिर्ची डालेंगे, जो कि मेरे पास रेड और ग्रीन दोनों ही कलर की थी, तो मैंने इस पे यहाँ पे शिमला मिर्ची डाल दी है। फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ ये स्वीट कॉर्न है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप इस पर डालकर इसका मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न डाल दिया और ये घर पर बनी हुई कुछ पनीर है जिसे भी हम इस पर डाल देंगे। पनीर मैंने घर पर ही बनाई है, बहुत ही अच्छी पनीर घर पे बनती है और एकदम परफेक्ट क्यूब में कैसे आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। मिक्स हर्ब्स डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। फिर यहाँ पे जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है चीज़, तो हम यहाँ पे इस पे चीज़ डालेंगे। तो ये यहाँ पे हम इस पर ढेर सारी चीज़ डाल देंगे। ये चीज़ भी मैंने फ्रेंड्स घर पर ही बनाई है, प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ही घर पर बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं घर पर चीज़ बनाना, उसकी भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा झटपट से सिर्फ 5 मिनट के अंदर बनने वाला ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है और लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस सा एकदम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने चीज़ डाल दी। उसके बाद इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, जिससे इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और हमने जो चटनी डाली थी उससे भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसके बाद इस पर हम थोड़ा सा हमारा इंडियन टच डालेंगे, यानी कि फ्रेश धनिया। धनिया से इसका टेस्ट और दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ और बाकी सारे सॉस, मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस सब में ऑलरेडी जो है सॉल्ट की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला। अगर आप चाहे तो इसे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा इस पर हम इस तरह से स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, जिससे कि ये और भी दिखने में अच्छा लगे। और थोड़े से इस पर हम टमाटर के 1-2 पीसेस डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये हमारा खाकरा पिज़्ज़ा बन के एकदम तैयार है। ये मैंने एक डिश जो है मैंने खुद की इनोवेशन करके डिश बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, एक बार मैंने ट्राई करी थी और एक कंपटीशन में इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इसमें विदाउट फायर और क्रिकेट टाइम पे हमें क्या क्रिकेट देखते समय जब हम क्या बना सकते हैं डिश, वो डिश हमें बना के डालनी थी कि झटपट से हम बना लें और सबको बहुत पसंद आए। तो मैंने इस डिश को डाला था और इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और ये डिश सपुई को बहुत ही पसंद आई थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी रेसिपी है।
कि इसे बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। जब कभी मम्मी बाहर गई हो या कुछ काम हो, घर पर रानी बच्चे हैं और उन्हें कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाने का मन है, फटाफट से रेसिपी बना ली, फटाफट से खा लिया। ना ही इसमें गैस की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप स्टोर करके रखिए खाकरे को। जब भी मन हो तब इस तरह से आप खाकरा बना के उसका खाकरा पिज़्ज़ा बना कर खाइए और एन्जॉय कीजिए। तो चलिए इसे अब खाकर टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब आई टेस्टिंग के बारे, यानी इसे हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है कैसा बना है। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसे हम खा के देखेंगे। इसे क्या है ना, बना के जो है ना तुरंत ही हमें सर्व करना है, वरना ये थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, क्योंकि खाकरे जो है बहुत ही पतले एकदम पापड़ की तरह है। तो इसे अब हम ट्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बना है। आप भी जैन पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जो प्याज लहसुन नहीं खाते ना, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है ये पिज़्ज़ा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती रहूँगी आपके साथ में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।